देखो VACPR क्या था, VACPR से हम लोग को क्या मिलेगा, सेप मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग को क्या मिलता था, जियोमेट्री मिलता था। और VSEPR से हम लोग को क्या मिलेगा, सेप मिलेगा। क्या मिलेगा, सेप मिलेगा। देखो आप देखते हैं कैसे सेप, ठीक है। CH4 H2O NH3, CH4 H2O और NH3 तीनों को पहले हाइब्रिडाइजेशन देंगे, ठीक है। इसका क्या होगा, Z हाफ कार्बन का 4 प्लस 4 8 Y2 मतलब 4 मतलब sp3। इसका क्या होगा, Z का हाफ ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 4 sp3। नाइट्रोजन हाफ नाइट्रोजन 5 प्लस 3 8 Y2 मतलब, ठीक है। सबका कितना 4 आ रहा है, आई मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। सबका क्या आ रहा है, 4 है जेड, आई मीन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3। sp3 मतलब सबका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सॉरी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। इसका भी क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। इसका भी क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 डिग्री होना चाहिए। इसका भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें हो जाते हैं बट इन दोनों में बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। इसमें बॉन्ड एंगल लगभग 107 के आसपास होता है, इसमें 104 के आसपास होता है। क्यों होता है ऐसे, उसी का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे VACPR का थ्रू से। VACPR का थ्रू से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसका किस में क्या हुआ, और कम हुआ, क्यों,
इसमें देखो दोनों लोन पे है, लोन पे लोन करके बीच में रिपल्सन और ज्यादा होता है, तो इस बॉन्ड को और कम कर देगा, इसमें ज्यादा प्रेशर देगा, ज्यादा प्रेशर देगा तो ये बॉन्ड और कम हो जाएगा, ये लगभग 104 डिग्री हो जाते हैं। इसका बॉन्ड एंगल लगभग कितना हो जाते हैं, 104 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों कम हो, क्योंकि लोन पे लोन करके रिपल्सन कर देते हैं। ठीक है, बीएससीपीआर से आप देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट, बीएससीपीआर का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपलिंग इच अदर, क्या करते हैं, दूसरे को रिपल करते हैं इच अदर, दैट्स व्हाई रिमेन द रिमेन फॉर अपार्ट, एक दूसरे से दूर में रहने की कोशिश करते हैं, जबकि उन लोगों के बीच में रिपल्सन कम हो। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन लोग जितना हो सके उतना दूर में रहने की कोशिश करते हैं। और ये रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है, लोन पेयर लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन होते हैं, नेक्स्ट आते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लास्ट आते हैं बॉन्ड पेयर का बीच में रिपल्सन। ठीक है, अगर किसी का भी लोन पेयर ना है, अगर लोन पेयर किसी का जीरो है, तो उसके लिए सेफ और जियोमेट्री क्या होगा, सेफ और जियोमेट्री क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लोन पेयर नहीं, मतलब कोई लोन पे नहीं होगा, सेफ भी जैसे होगा, जियोमेट्री भी ऐसे होगा, सेफ के पास किसको नहीं लेते, लोन पेयर को नहीं लेते। तो अगर लोन पेयर देश नहीं, मतलब क्या होगा, सेफ भी जैसे होगा, जियोमेट्री भी सेम होगा वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सेफ डस नॉट डिपेंड ऑन लोन पेयर, डस नॉट डिपेंड ऑन लोन पेयर, लोन पेयर के ऊपर सेफ डिपेंड नहीं करते। ठीक है, सेफ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सेफ डिपेंड ऑन सराउंडिंग एटम, उसके चार पास के जो एटम है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सराउंडिंग एटम के ऊपर डिपेंड करते हैं सेफ, सेफ ओनली डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग एटम। ठीक है, अब एक एक करके एक्सप्लेन करके देखो कैसे। अब एग्जाम्पल कैसे समझते सबको एक एक करके, फर्स्ट जेड, नेक्स्ट बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जियोमेट्री और सेट, और लास्ट में हाइब्रिड एक्सिस। ठीक है, अच्छे समझ लें इसको, फर्स्ट आते हैं जेड अपना टू होता है, जेड टू, ओके, अच्छा जेड को नहीं दिख रहा सर तक ना, दिख रहा है जेड टू, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर जीरो, जितना बॉन्ड है उतना ही, जितना जेड था उतना ही बॉन्ड हुआ, लोन पेयर नहीं है। जेड टू होते हैं तो जियोमेट्री क्या, पहले हाइब्रिडाइजेशन बोलो, जेड टू होते तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, एसपी होता है ना, जेड टू होते तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, एसपी, एसपी मतलब जियोमेट्री क्या हुआ, पता होता जल्दी कितना, इसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, जियोमेट्री क्या होते हैं, एसपी होगा हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री, लेने आते हैं कुछ नहीं पड़ेगा कोई, z कितना 2 है, बॉन्ड पे 2 है, लोन पे 0 है, क्या हुआ ज्योमेट्री लेने आते हैं। अब मैं बोला हूं लोन पे अगर 0 हो तो ज्योमेट्री भी जो होगा वो सेफ भी वैसे होगा, सेफ भी क्या होगा लेने आते हैं। ठीक है,
सेप क्या होगा, लीनियर होगा। कैसे टाइप होगा, मतलब बीच में एटम रहेगा, इधर कुछ भी रह सकते दो एटम, बीच में सेंट्रल एटम, इसमें सराउंडिंग एटम, इसमें भी सेम वैसे। ये हो गया टू टू का केस, ठीक है। अब जेड टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर वन, बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर वन, हाइब्रिडाइजेशन सेम एसपी रहेगा, ओके। तो क्या होगा इसमें, ज्योमेट लीनियर ही रहेगा, लगभग लीनियर ही होगा। ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, लोन पेयर को भी लेंगे साथ में, लेकिन इसका सेम पर्टिकुलर कोई सेम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर अगर मैं नहीं लूंगा, लोन पेयर को छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, पर्टिकुलर सेम नहीं है, बस ए है एक साइड में टू बॉन्ड है बस, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं थ्री, जेड इक्वल थ्री है, बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर जीरो। तो क्या होगा, ज्योमेट्री थ्री होगा तो पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, एसपी टू ट्रायंगुलर प्लैनर, क्या होते हैं ट्रायंगुलर प्लैनर, कैसा टाइप होगा ट्रायंगुलर प्लैनर, बीच में कोई एटम रहेगा सिंगल एटम, ऐसा टाइप होगा, ठीक है। इसमें भी सेम सेम और ज्योमेट्री सेम होगा क्योंकि लोन पे ऐसे रहोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थ्री है टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, देखो कैसे होता है, देख लेते हैं लोन पेयर को। पहले इसका ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन सेम, एसपी टू ज्योमेट्री भी सेम होगा क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं ज्योमेट्री में। तो ट्रायंगुलर प्लानर कैसा टाइप होगा, ए होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ओके। अब देखो इसका सेप, लेकिन ट्रायंगुलर प्लानर नहीं हुआ क्योंकि लोन पेयर आ गया ना, कैसे करते हो सेप में क्या यूज होता है, ओनली सराउंडेड एटम यूज होता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लोन पेयर है ना, इसको पकड़ कर घुमा लो, ऐसे नहीं बन जाएगा, देखो ठीक है। ये कैसे नहीं सेप हो गया, अगर अच्छे से देखोगे तो इसको वी टाइप हो गया, इसको पलट दोगे तो क्या होगा, वी टाइप हो गया, घुमा लो इसको सीधा, इसको पकड़ के तो क्या होगा, वी टाइप हो गया, इसका सेप क्या हो गया, वी टाइप, और एंगुलर भी हो गया, वी सेप हो गया। लोन पेयर को छोड़ के देखोगे तो क्या होगा, ये वी सेप, ओके। अब बोले फोर, फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी थ्री, एसपी थ्री मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसा टाइप होता था, बीच में सेंट्रल एटम, ओके। सेम भी सेम होगा, सेम होगा क्योंकि लोन पेयर कितना है, जीरो है। अब आता है, अच्छा ऊपर में लिख देता हूँ, नहीं लिख रहे तो अब बोल रहे फोर, जेड फोर है, थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, क्या होगा, जेड फोर है थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर। अब ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगा, एसपी थ्री है, ज्योमेट्री सेम है, क्या होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल देख लेते कैसे देखोगे, ओके। इसका सेप क्या होगा देखो अच्छे से पता चलेगा, लेकिन इसको लोन पेयर में नहीं देखूंगा तो पिरामिड टाइप का दिख रहा है, देखो ये पिरामिड टाइप का दिख रहा है, इसको जोड़ देंगे ना क्या होगा, ये पिरामिड टाइप का दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। लोन पेयर में छोड़ दो, पिरामिड जैसे दिखेगा, इसका शेप क्या हो गया, पिरामिडल शेप, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में लिखता हूं, अब हो रहे जेड फोर बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, अच्छा समझना, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर टू, तब क्या होगा, जेड फोर है बॉन्ड पेयर टू और लोन पेयर भी टू,
हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3, ज्योमेट्री भी सेम होगा, क्या हुआ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, ओके अच्छा यहाँ पे अगला हो गया दो लोन पेयर और कैसा दिखेगा इसका सेप कैसे दिखेगा लोन पेयर पे छोड़ दो कैसा टाइप दिखेगा भी टाइप दिख रहा है उल्टा दिख लो अच्छे से क्या होगा इसका भी सेप ओके अब